क्या करूं? Fun and lucky mascot. कुलदेवता कुलदेवता, मेरे हाथों में अपनी ताकत भर दो, मुझे अपनी ताकत दो कुलदेवता। आप ये क्या कर रहे हैं? नंबर के बेवकूफ हो तुम, डरा दिया मुझे। किसी को अचानक इस तरह डराते हैं क्या? लेकिन आप कुलदेवता के हाथ क्यों रगड़ रहे थे पापा, बताइए ना क्या बात है? वो कुछ नहीं, मैं तो बस इनसे ताकत मांग रहा था ताकि कल होने वाले मुकाबले में जीत सकूं। ये मेरे लकी मैस्कॉट है ना। कमाल है, तब तो मैं भी कुश्ती का मुकाबला जीतना चाहता हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करना, वरना जो भी मैंने पाया है सब छिन जाएगा। अपनी ताकत मैं किसी से बांटना नहीं चाहता, समझे? गलत बात है, मैं आपका सगा बेटा हूँ पापा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे मैं तो भूल गया, मुझे सब्जियाँ बेचने जाना था। और सुनो कमाओ, कुल देवता को छूना भी मत, समझे? ये क्या, मुझे भी इनसे ताकत चाहिए। पापा को जो कहना है कहने दो, मैं तो इनसे शक्ति लेकर रहूंगा। मैं अभी आया दोस्तों, चलता हूँ। इस मिच्छुओं को अचानक क्या हो गया? हे कबाव, कुल देवता से भी शक्तिशाली कौन है बताओ ना। मेरे ख्याल से परमैन। परमैन? अगर मैं परमैन के हाथ रगड़ूंगा तो मुझे ताकत मिल जाएगी। और हाँ, तुम लोग उससे दूर ही रहना, मैं किसी को अपनी ताकत नहीं बांटने दूंगा। इसे मेरी चेतावनी समझना, समझे? बात दिमाग में गई या नहीं? अरे परमैन रुको। परमैन बच गया। हाँ तो पायन, अब मुझे बताओ वो चट्टान कहाँ गिरी है? वो वहाँ पहाड़ के बिल्कुल सामने है परमैन, चलो अब हम जल्दी चलते हैं। चलो शुक्र है किसी को चोट नहीं लगी, है ना? हाँ तुमने सही कहा। परमैन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने यहाँ आकर सब संभाल लिया, वरना हमें बहुत मुश्किल हो जाती। ये तो हमारा फर्ज था सर। फिर भी आपका शुक्रिया। तो हम चलते हैं। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। अरे नहीं, ये कैसे हो गया, मैं अपने ग्लव्स तो मंदिर में ही भूल आया। ओ परमैन, जरा इधर आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। क्या कहा कबाओ, तुम्हें ताकत चाहिए? प्लीज मना मत करना परमैन। मुझे नहीं लगता इससे कुछ होगा। जरूर होगा परमैन, इससे मुझे बहुत फायदा होगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ, मुझे अपनी ताकत दे दो। कबाओ, तुम परमैन के साथ क्या कर रहे हो? दरअसल ये मुझसे ताकत ले रहा है। ताकत? शायद परमैन के पास कुल देवता से भी ज्यादा ताकत है, मुझे भी वो ताकत लेनी चाहिए। सुनो परमैन, मुझे भी थोड़ी ताकत चाहिए। पापा, मैं अपनी ताकत किसी से नहीं बांटूंगा। ये क्या कर रहे हो कबाओ, आखिर मैं तुम्हारा पापा हूँ। लेकिन पापा। चुप रहो बदमाश। परमैन, क्या तुम मुझे भी थोड़ी सी? ठीक है। पापा रुक जाइए पापा। परमैन परमैन, मुझे थोड़ी अपनी ताकत दे दो ना प्लीज। सुनिए पापा, मैं ताकत नहीं ले पाऊंगा, अगर मैं कल का मुकाबला हार गया तो इस सब के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे। परमैन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ना तुम ही कल का मुकाबला जज करो, आइडिया कैसा है? क्यों नहीं। शुक्र है मुझे मेरे ग्लव्स मिल ही गए। हाय मित्सु, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम भी कल के मुकाबले में हिस्सा ले रहे हो? नहीं, मैं तो बस मुकाबला देखने जाऊंगा, क्या करूं? पर साबू और हारूमी भी हिस्सा ले रहे हैं, फिर तुम क्यों नहीं? मैं तुम्हारे लिए चीयर करूंगी। अच्छा, तो फिर तो मैं हिस्सा जरूर लूंगा। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय बाय। मैंने उससे कह तो दिया, पर मुझे तो कल के मुकाबले का जज बनना है, हमेशा मैं एक्साइटमेंट में कुछ भी बोल देता हूँ। अरे हाँ, मैं रोबोट से कह दूंगा, वो मेरा काम कर देगा। समझे कि नहीं समझे? क्या कहा, ये कितनी अजीब बात है, किसी के हाथ से ताकत लेना। हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं परमैन बना हूँ, हाथ आगे बढ़ाओ। ये तो बेकार की बात है। वो सब तुम मत सोचो, जितना कहा है उतना करो। चिल्लाते क्यों हो? परमैन परमैन, अपनी ताकत मुझे दे दो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जल्द ही हमारा मुकाबला शुरू होने वाला है, जिसे खास हमारे बुलाने पर परमैन जज करने वाले हैं। हाय दोस्तों, पहला मुकाबला शुरू होता है, मित्सुओ वर्सेस साबू। शुरू करो। ये रोबोट भी बेकार है, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे थोड़ी शक्ति चाहिए। साबू विजेता है, अब है साबू वर्सेस हरूमी। हरूमी जीता, अब हरूमी वर्सेस कबाव शुरू कर। आ,
आज के मुकाबले का विनर है कबाब मेरा दोस्त। मिशन कामयाब रहा, मैं जीत गया। बड़ों का मुकाबला जीता है या उमासा ने, मुबारक हो। ये लो। अरे वाह बाप बेटे दोनों जीत गए। पर ये सब तो सिर्फ परमैन की वजह से हुआ है, उसी ने हमें अपनी ताकत दे दी थी। मैंने ठीक कहा ना कबाओ? परमैन की ताकत ने अपना कमाल दिखा ही दिया। क्या ये सच है? क्या बात है परमैन, मुझे भी होशियारी दे दो ना। अरुण रुको, क्या कर रहे हो? और मैं ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। बेवकूफ, तुम्हें ताकत नहीं बल्कि होशियारी चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाओ और मुझे सिलाई करना सिखा दो। अरे सब चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो? ये तो बड़ी मुसीबत है, सब मुझे पैसा कमाने के लिए लकी मानने लगे, सारी कंपनियों के मालिक आकर मुझसे खुद को रगड़ने लगे हैं। और जो भी लड़कियां मेरी तरह सुंदर बनना चाहती है वो आकर मेरे चेहरे को रगड़ती रहती हैं। सुंदर और तुम लोग इस तरह से मुंह क्यों बना रहे हो? मैं भी तो सब कुछ सहन कर रही हूँ। क्या कहा बूबी, सब तुम्हें इसलिए परेशान करते हैं ताकि उनके पेट्स तुम्हारे लिए स्मार्ट हो जाए। अगर यही सब चलता रहा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। परमैन, बातों बातों में बहुत देर हो गई, अब मुझे जाना पड़ेगा। इस मुश्किल का हाल पता चला तो मुझे प्लीज फोन कर देना। बाय दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ। चलो अब मैं भी जा रहा हूँ। सुनो परमैन, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी ताकत चाहिए। अरे नहीं फिर से नहीं, लेकिन ये अकेला लगता है, चलता हूँ। अरे सुनो दोस्तों, देखो परमैन आया है अपनी ताकत लेने। अब क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा वरना। ये मैं क्या कर बैठा। मुझे भी तुम्हारी ताकत चाहिए परमैन। लेकिन तुम अकेले ही हो ना, तो चुप चुप के ताकत ले लो। परमैन परमैन, मुझे तेज बनना है, बहुत तेज बनना है परमैन। मैं तो बहुत तेज बन गया। चलो बच गया। परमैन, मुझे इस मुश्किल का हल मिल गया है। अच्छा, ये तो अच्छी बात है। ये इतने सारे पुतले किस लिए है? ये है परमैन का पुतला। परमैन का पुतला? हम इन्हें शहर के कोने कोने में रख देंगे और लोग इनके पास आकर अपनी मन्नत मांगेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। और हम इनके पास एक बॉक्स भी रख देंगे जिसमें लोग अपनी शिकायतें भी डालते जाएंगे। ये तरकीब जरूर काम करेगी, कम से कम लोग हमें तो परेशान नहीं करेंगे। सही कहा तुमने। ये पुतले बहुत ही सुंदर है, लगता है इससे अपना काम बन जाएगा। शायद यही ठीक रहेगा। शुक्र है परमैन के पुतले की वजह से लोगों ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया, अब मैं चैन से जी सकता हूँ। अरे पुतले की ये हालत किसने बना दी? अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या मतलब, मैं तो बस एक टुकड़ा ले रहा था ताकि इसे अपने पास एक लकी चार्म की तरह रख सकूं। इससे मुझे अपने एग्जाम्स में बहुत मदद मिलेगी। वैसे तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों ना तुम भी एक टुकड़ा तोड़ कर रख लो। चाहिए तो मैं निकाल कर देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ये पुतला बहुत कीमती है, इसे मत तोड़ो, ये मेरा है।